नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अक्टूबर मंथ के। अक्टूबर जो मंथ गया है, लास्ट मंथ, उसमें कौन कौन से डेज इम्पॉर्टेंट है, उसके थीम कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। राइट, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है मैं बताते चलूँ, एग्जाम्स में एक नंबर का क्वेश्चंस यहाँ से, यानी कि पर्टिकुलर डेज बेसिस से पूछा जाता है। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। ओके, बेसिकली मंथली बेसिस पर ये मेरे वीडियोस रहते हैं। राइट, प्रत्येक मंथ के एंड में पूरा मंथ का कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो अक्टूबर मंथ कंप्लीट हुआ है, तो अक्टूबर मंथ में कौन कौन से डेज इम्पॉर्टेंट थे, उन सभी के बारे में आज के लिए यह वीडियो रहेगा। बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से मैंने ये वीडियो बनाया है, अच्छा कंटेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। राइट, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। राइट, एंड अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल्स पे न्यू है तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और इतनी श्योरिटी है, इतनी गारंटी है, एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस भी पूछेगा ना आपसे, तो मेरे इन्हीं ही वीडियो से, इन्हीं ही क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ओके, तो वीडियो को कोई भी चीज मिस मत करिएगा, एक एक चीज को अच्छे से देखते रहिएगा। राइट, और सुनते रहिएगा ध्यान से, और आपकी जो नोट बनाने वाली कॉपी है, नोटबुक है, उसमें नोट भी बना लीजिए। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ये लास्ट मंथ जो सितंबर मंथ था, मैंने कहा था मेरा मंथली बेसिस पर रहता है, आपको जनवरी से लगाकर अभी तक सभी वीडियोज मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग पीडीएफ भी मैंने बना रखे हैं। ये देखिए, ये जनवरी से जून मंथ तक कंप्लीट पीडीएफ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये फोर्थ मंथ का पीडीएफ आपका अलग से बनेगा, पिछले छह महीनों का जनवरी से जून मंथ तक का कंप्लीट पीडीएफ मैंने बना दिया है। ओके, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल्स का, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इतनी श्योरिटी है, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल इन पीडीएफ को और इन वीडियोज को देख लीजिएगा, एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कंटेंट को अप्रिशिएट जरूर करिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, मंथली बेसिस पे रिविजन्स करिए, फिर पिछले छह महीनों का रिविजन्स करिए, एक ही चीज को अब दो से तीन बार रिविजन्स करेंगे, डेफिनेटली याद होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डेमो क्वेश्चंस। राइट, डेमो क्वेश्चंस मींस कि एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चंस हैं, वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट। राइट, विश्व खाद्य दिवस है जो कि हर साल किस तारीख को बनाया जाता है। ओके, वर्ल्ड फूड डे किस तारीख को बनाते हैं। राइट, तो वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वह बनाया जाता है, दैट इज द 16th of October को। ये मैंने डेमो क्वेश्चंस रखे हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। राइट, तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, 16th of October को बनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, क्लियर। और 15 अक्टूबर सभी को पता है, दैट इज द वर्ल्ड स्टूडेंट डे, इट विश्व विद्यार्थी दिवस, जो कि आपके 15 अक्टूबर को बनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप,
वन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड, यानी कि पोलियो डे है जो कि आपके कब बनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस कब बनाया जाता है, वह बनाते हैं 24th of October को। राइट, कब बनाते हैं 24th of October को विश्व पोलियो दिवस के रूप में बनाया जाता है। ओके, प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस साल इसकी थीम रही थी डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस, राइट, दैट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे, याद रखिएगा। ओके, और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि भारत है जो पोलियो फ्री कब हुआ था, राइट, कौन से ईयर में, इन विच ईयर इंडिया इज फ्री पोलियो, राइट, इंडिया है जो कि आपके पोलियो फ्री कब बना था, राइट, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ये दो क्वेश्चन मैंने डेमो बेसिस पर रखे हैं ताकि आपको पता चल सके, स्टूडेंट जो न्यू जोड़ते जाते हैं ना, उनको पता चल सके किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपन वन लाइन ऐप पे, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इंटरनेशनल कॉफी डे, ये मैंने वन लाइनर रखा है ताकि आपको रिविजन्स अच्छे से हो सके। ओके, ध्यान से समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। इंटरनेशनल कॉफी डे, ओल्डर पर्सन्स डे यानी कि सीनियर सिटीजन्स डे, हिंदी में कहते हैं वृद्ध जन दिवस, राइट, जो कि आपके 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर आता है आप इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, राइट, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे, राइट, जो कि आपके 2 अक्टूबर 2nd of October महात्मा गांधी जी की जयंती, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर यह दिवस मनाते हैं। ओके, फिर आपका वर्ल्ड टीचर्स डे, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ल्ड टीचर्स डे, जो कि आपके 5th of October, राइट, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, विश्व अध्यापक दिवस, जो कि आपके बनाते हैं। ओके, एक आता है नेशनल टीचर्स डे, वो आता है 5 सितंबर को, नोट करिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे, और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनर गूगली फेंकेगा आपके सामने, बट आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड कॉटन डे, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व कपास दिवस, राइट, 7 अक्टूबर को, 7th of October को वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस। नेक्स्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट, इंडियन एयरफोर्स डे, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको सुपर इम्पॉर्टेंट मार्क करिए, एक ये, एक आपका टीचर्स डे, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट, इंडियन एयरफोर्स डे, जो कि आपका 8 अक्टूबर को, 8th of October को बनाया जाता है, राइट, इंडियन एयरफोर्स डे, इज इट क्लियर, समझ में आया आप सभी को, राइट, इस बार जो डेज बनाया गया था 89th, आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, SBI PO means, IBPS PO means, IBPS clerk means, राइट, इसमें क्वेश्चंस आपके डाल सकता है, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे बनाया जाता है, तो इस बार जो बनाया गया था कौन सा दिवस बनाया गया था, राइट, विच एडिशंस, आपको ऐसा क्वेश्चंस डालेगा, राइट, याद रखिएगा 89th, क्लियर। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अक्टूबर को, राइट, 9th of October को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे के रूप में बनाते हैं, डाकघर, नेशनल पोस्टल डे, पोस्ट डे, डाक दिवस, जो कि आपके 10 अक्टूबर को, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड डे, जो अपन ने पढ़ा था 16th of October को, तो ये टोटल 8 डेज आपके कंप्लीट हुए।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, राइट, ताकि आपको रिविजन्स करने में, देखिए अगर आप रटने चलोगे ना तो क्वेश्चंस हो चाहे कुछ भी चीज हो याद नहीं होगी, आप केवल बार बार उस चीज को पढ़िए। अगर आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाता है वेल एंड गुड, दो बार में हो जाता है वेल एंड गुड, तीन बार में भी हो जाता है बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा टाइम लग रहा है वो टाइम लगाइए, जितना हो सके रिविजन्स करिए, आपको याद डेफिनेटली होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड स्टूडेंट डे मैंने बताया था 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को आपकी जो अब्दुल कलाम आजाद है, राइट, उनका जन्म दिवस है, उनकी जयंती पर भी आपकी वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में बनाते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस, इसको भी शोपर करिए, शोपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ल्ड स्टैटिक्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे 20 अक्टूबर को, राइट, 20 अक्टूबर को आपकी बनाया जाता है विश्व स्टैटिक्स डे। वर्ल्ड पोलियो डे यूएन डे जो कि आपके 24 अक्टूबर को बनाते हैं, राइट, वर्ल्ड पोलियो डे याद रखिएगा, मैंने अभी आपके सामने शेयर किया है, ओके, इसकी थीम रही थी डिलीवरिंग्स ऑन अ प्रॉमिस। नेक्स्ट है इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर, राइट, इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर को बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा, ओके। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसका गुजरात में सबसे लंबा स्टैच्यू है, राइट, जो जिनकी जिनकी जन्म जयंती पर नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये टोटल्स आपके 13 डेज हैं, आई थिंक 13 ही है, ओके, तो प्लीज इन सभी वीडियोज का, इन सभी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, सर मेरे को तो पीडीएफ से पढ़ना है, तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। अगर आपको किसी भी डेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू केयरफुली, अगर आपको किसी भी डेज में या किसी की डेट गलत टाइप हो गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने इसकी डेट गलत टाइप कर दी है, ओके, बता दीजिएगा ताकि सही चीजें अच्छे से होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल इंटरनेट डे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस है जो कि आपके कब बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाए। एक अच्छा क्वेश्चन हाईलाइट नहीं रहता, एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन रहता है, जो चीज़ हाईलाइट में नहीं आती वो एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, ओके। तो ये आपके कब बनाते हैं कमेंट करिएगा, इंटरनेट दिवस अंतर्राष्ट्रीय बताइएगा जरूर। ओवरऑल ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट डेज थे, आई होप मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी जानकारी आपको मिली होगी, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल्स पे न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और मैं आपको बताते चलूँ जनवरी से जून तक कम्प्लीट पी डी एफ विद वीडियो, राइट, एंड जुलाई अगस्त सितंबर उन सभी वीडियोज के लिंक मैंने स्पेशली आप सभी के लिए डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखे हैं लिंक, अब कोई भी मंथ का चाहिए अगस्त मंथ का देखना हो लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ओके, तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, डेफिनेटली पढ़िएगा, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा, समझ में भी आए होंगे, हेल्प भी कर पाया होगा मेरी तरफ से, तो प्लीज़ to like the video
टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स. ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल्स. ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. नमस्कार, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में. और वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़े, राइट. ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.